हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्शियल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कॉमर्शियल डोसा मशीन के वेट ग्राइंडर के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये 3 लीटर का वेट ग्राइंडर है। इसमें आप चाहे कि चावल एक बार में पीस सकते हैं। ये वेट ग्राइंडर में आप घर का लाइन में आप चला सकते हैं। इसके लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसके इसमें जो मोटर लगा हुआ है, उसका पावर है 0.5 HP का। इससे आप इडली और डोसा दोनों का बैटर पीस सकते हैं। और ये जाता है, और ये मशीन का कीमत है 8,500 से 9,500 के बीच में आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसके अलावा अगर बड़ा मशीन लेना चाहते हैं तो 5 लीटर मशीन आता है, जो कि आपको 16,500 से 18,500 के बीच में मिलेगा। इसमें जो ये इस चीज़ को आप यहाँ बीच में डाल दीजिए, और इसमें चावल डालने के बाद इसको हल्का टेढ़ा करके फंसा दीजिए, ताकि आपका जो चावल है वो थोड़ा जल्दी पीसेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मार्केट में 2 क्वालिटी का मशीन आता है। एक स्टेनलेस स्टील का रहता है और एक प्लाई का दिया हुआ रहता है। प्लाई वाला आपका तुरंत पानी खा जाएगा, इसीलिए आप जब भी मशीन लेने जाएंगे मार्केट में तो देख लीजिएगा कि स्टेनलेस स्टील का मशीन हो। मशीन चला कर दिखा रहे हैं। देखिए ये मशीन चल रहा है। इसको खाली में नहीं चलाना है, इससे आपका पत्थर टूट जाएगा। और जब भी आप इसमें चावल डालिएगा, पानी डालिएगा, तभी मशीन चालू कीजिएगा, नहीं तो आपका ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये मशीन हम पिछले 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, इसका सर्विस भी बढ़िया है। ये मशीन 2 साल में सिर्फ इसका बेल्ट टूटा है और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ये मशीन 9,500 में मिला है, आपके बाज़ार में वही 8,500 से 10,500 के बीच मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो इसको खरीद सकता है, या फिर नॉर्मली मिक्सर मशीन से भी काम आपका हो जाएगा। आप अपना कारोबार स्टार्ट करने के बाद अगर वो चल पड़ता है, उसके बाद आप ये मशीन खरीदे तो अच्छा रहता है। बेल्ट, इसमें जो बेल्ट यूज़ होता है वो ज़्यादा दाम का नहीं रहता है, केवल 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसका साइज़ आप दिखाइएगा वहाँ का, वहाँ दुकान वाला अपने आप निकाल देगा बेल्ट। इसका सिर्फ अलाइनमेंट ज़रूरी है, अलाइनमेंट अगर गड़बड़ी रहेगा तो बेल्ट आपका हर बार टूट जाएगा। अलाइनमेंट करके ही बेल्ट लगाइएगा।